स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मेमोरीज में। आज के वीडियो में बॉलीवुड के फेमस एक्टर स्क्रीन राइटर बलराज साहनी, जिनका रियल नेम युधिष्ठिर साहनी है, इनके फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उम्मीद हमारी कोशिश आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। व्यूवर्स, इनकी एक्टिंग की टॉप मूवीज़ में रही हैं वक्त, जो कि ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई, और व्यूवर्स एक फूल दो माली इनकी सुपर हिट मूवी साबित हुई, और दो बीघा जमीन इनकी सुपर हिट मूवी साबित हुई। इनकी डेब्यू मूवी 1946 में, इसका नाम था धरती के लाल। इसमें बलराज साहनी, तृप्ति मिश्रा, के अंसिंग लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी दूर चले। इसमें बलराज साहनी, नसीम बानो और आगा लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी 1947 में, इसका नाम था गुड़िया। इसमें बलराज साहनी, दमयंती साहनी, अमीर बानो शेखर थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली मूवी 1951 में आई थी हम लोग। इसमें बलराज साहनी, नूतन, श्यामा सज्जन लीड कास्ट में थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी हलचल। इसमें दिलीप कुमार, नरगिस, सितारा देवी, बलराज साहनी, जीवन लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1952 में आई थी बदनाम। इसमें बलराज साहनी, श्यामा, हेलन, मुराद लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1953 में आई थी आकाश। इसमें बलराज साहनी, नादिरा और आगा लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में दो बीघा जमीन। इसमें बलराज साहनी, निरूपा राय, मीना कुमारी, रतन कुमार, नाजिर हुसैन, जगदीप लीड कास्ट में थे। ये मूवी सेमी हिट सुपर हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी 40 बाबा एक चोर। इसमें बलराज साहनी, कामिनी कौशल थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी भाग्यवान। इसमें बलराज साहनी, निरूपा राय, रतन कुमार थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी राई। इसमें बलराज साहनी, देवानंद थे। इस मूवी सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1954 में आई थी मजबूरी। इसमें बलराज साहनी, श्यामा, जीवन कुमार थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी औलाद। इसमें बलराज साहनी, निरूपा राय, उषा किरण लीड कास्ट में थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी बाजूबंद। इसमें बलराज साहनी, रूपमाला, अनवर हुसैन लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी 1954 में ही नौकरी। इसमें किशोर कुमार, साहिला रमानी, अचला सचदेव, बलराज साहनी, महमूद थे। ये मूवी हिट रही। अगली 1955 में आई थी तांगे वाली। इसमें बलराज साहनी, निरूपा राय, अनीता गुप्ता थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1955 में आई थी सीमा। इसमें बलराज साहनी, नूतन, प्रतिमा देवी, सीमा सुंदर थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी जोरू का भाई। इसमें बलराज साहनी, शेहला रमानी, जॉनी वाकर, विजय आनंद थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी जवाब। इसमें बलराज साहनी, गीता बाली, नासिर खान, जॉनी वाकर, अचला सचदेव लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी इसी साल में थी गरम कोट। इसमें बलराज साहनी, निरूपा राय, जयंत थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी 1956 में आई थी टकसाल। इसमें बलराज साहनी, स्मृति विश्वास, निरूपा राय, इफ्तिखार लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी 1957 में आई थी परदेसी। इसमें बलराज साहनी, नरगिस, पृथ्वीराज कपूर लीड कास्ट में थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी माई बाप। इसमें बलराज साहनी, श्यामा, जॉनी वाकर लीड कास्ट में थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी लाल बत्ती। इसमें बलराज साहनी, माला सिन्हा, शशिकला लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी कठपुतली। इसमें वैजंती माला, बलराज साहनी, आगा लीड कास्ट में थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी दो रोटी। इसमें निरूपा राय, बलराज साहनी और जॉनी वाकर लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी आई थी इसी साल में भाभी। इसमें बलराज साहनी, नंदा, पंडरी बाई, श्यामा, ओम प्रकाश थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी 1958 में आई थी सोने की चिड़िया। इसमें तलत महमूद, बलराज साहनी, नूतन लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी नया कदम। इसमें बलराज साहनी, रूपमाला, नाजिर हुसैन लीड कास्ट में थे। अगली मूवी आई थी 1958 में ही लाजवंती। इसमें नरगिस, बलराज साहनी, नाज लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी खजांची। इसमें बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार, श्यामा लीड कास्ट में थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में थी घर संसार। इसमें बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार, नरगिस, कुमकुन, जॉनी वाकर थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में थी देवर भाभी। इसमें बलराज साहनी, राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस एवरेज करार दिया गया। अगली 1959 में आई थी चांद। इसमें बलराज साहनी, मीना कुमारी, पंडरी बाई, फ्लॉप। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1959 में आई थी ब्लैक कैट। इसमें बलराज साहनी, मीनू मुमताज, जॉनी वाकर, नासिर अहमद थे। अगली 1959 में आई थी हीरा मोती। इसमें बलराज साहनी, निरूपा राय और नाज थे। अगली मूवी आई थी इसी साल में सट्टा बाजार।
इसमें बलराज सहनी, मीना कुमारी, जॉनी वाकर लीड कास्ट में थे। इस मूवी को ब्लेवरेज करार दिया गया। अगली इसी साल में आई थी छोटी बहन, इसमें बलराज सहनी, नंदा, श्यामा रहमान थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी सीआईडी गर्ल, इसमें बलराज सहनी, गीता बाली, कन्हैया लाल और मोहन चोटी लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली मूवी 1960 में आई थी नईमा, इसमें बलराज सहनी, श्यामा और शीला कश्मीरी लीड कास्ट में थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी बिंदिया, इसमें बलराज सहनी, पद्मी, मीनू मुमताज, ललिता पवार, ओम प्रकाश थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी दिल भी तेरा हम भी तेरे, इसमें धर्मेंद्र, बलराज सहनी, उषा किरण, कुमकुम थे। ये मूवी ब्लोवरेज रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी अनुराधा, इसमें बलराज सहनी, लीला नायडू, अभ्यक्ताचार्य और नाजिर हुसैन लीड कास्ट में थे। अगली 1961 में आई थी काबुलीवाला, इसमें बलराज सहनी, उषा किरण, सरिता देवी, रंजन थे। ये मूवी सेमी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी सुहाग सिंदूर, इसमें बलराज सहनी, मनोज कुमार, माला सिन्हा थे। ये मूवी वेरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में सपने सुहाने, इसमें बलराज सहनी, गीता बाली, चंद्रशेखर कामनी कदम थे। अगली मूवी इसी साल में थी भाभी की चूड़ियाँ, इसमें मीना कुमारी, बलराज सहनी लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली 1962 में आई थी शादी, इसमें धर्मेंद्र, बलराज सहनी, मनोज कुमार, सायरा बानो थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली 1962 में आई थी अनपढ़, इसमें धर्मेंद्र, बलराज सहनी, माला सिन्हा, बिंदु, नाजिर हुसैन थे। ये मूवी हिट रही। अगली 1963 में आई थी अकेला, इसमें बलराज सहनी, सुलोचना और ललिता पवार लीड कास्ट में थे। अगली 1964 में आई थी मैं भी लड़की हूँ, इसमें बलराज सहनी, धर्मेंद्र, मीना कुमारी, ओम प्रकाश थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी हकीकत, इसमें बलराज सहनी, धर्मेंद्र, प्रिया राजवंश, विजय आनंद, सुधीर लीड कास्ट में थे। ये इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली 1964 में आई थी पुनर्मिलन, इसमें बलराज सहनी, अमिता, शशिकला, जगदीप थे। अगली 1965 में आई थी डाकघर, इसमें बलराज सहनी, मुकरी और सचिन लीड कास्ट में देखने को मिले। अगली इसी साल में थी वक्त, ये मल्टी स्टारर मूवी थी, इसमें बलराज सहनी, राजकुमार, सुनील दत्त, शशि कपूर थे। इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली इसी साल में थी फरार, इसमें बलराज सहनी, अनिल चटर्जी, शबनम, केएन सिंह थे। अगली मूवी 1966 में आई थी आए दिन बहार के, इसमें बलराज सहनी, धर्मेंद्र, आशा पारिक, नाजमा, राजेंद्र नाथ थे। ये मूवी हिट रही। अगली इसी साल में आई थी पिंजरे का पंछी, इसमें मीना कुमारी, बलराज सहनी, महमूद थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली इसी साल में आई थी नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, इसमें बलराज सहनी, शशि कपूर, नंदा, निरूपा राय थे। ये मूवी हिट रही। अगली इसी साल में आई थी लाडला, इसमें बलराज सहनी, निरूपा राय और जगदीप लीड कास्ट में थे। इस मूवी को हिट करार दिया गया। अगली इसी साल में आई थी आसरा, इसमें बलराज सहनी, बिस्वजीत चटर्जी, माला सिन्हा थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1967 में आई थी हमराज, इसमें बलराज सहनी, राजकुमार, सुनील दत्त, विमी, मुमताज, सारिका, मदनपुरी थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी नौनिहाल, इसमें बलराज सहनी, संजीव कुमार, इंद्राणी मुखर्जी थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली 1967 में आई थी घर का चिराग, इसमें बलराज सहनी, धर्मेंद्र, वहीदा रहमान, इंद्राणी मुखर्जी थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1967 में आई थी अमन, इसमें बलराज सहनी, राजेंद्र कुमार, सायरा बानो, ओम प्रकाश थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली 1968 में आई थी इज्जत, इसमें बलराज सहनी, धर्मेंद्र, तनुजा, महमूद लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली 1968 में आई थी संघर्ष, इसमें बलराज सहनी, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, वैजयंती माला, देवन वर्मा, जयंत थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली 1968 में आई थी नीलकमल, इसमें बलराज सहनी, राजकुमार, मनोज कुमार, वहीदा रहमान, ललिता पवार, शशिकला, महमूद थे। ये मूवी सुपर हिट रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी दुनिया, इसमें बलराज सहनी, देवानंद, वैजयंती माला लीड कास्ट में थे। इस मूवी को एवरेज करार दिया गया। अगली 1969 में आई थी एक फूल दो माली, इसमें बलराज सहनी, संजय खान, साधना, सिद्धासानी और मनोरमा थे। इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में आई थी दो रास्ते, इसमें बलराज सहनी, राजेश खन्ना, मुमताज, कामनी, कौशल, बिंदु, प्रेम चोपड़ा थे। इस मूवी को भी ब्लॉकबस्टर करार दिया गया। अगली 1969 में आई थी तलाश, इसमें बलराज सहनी, राजेंद्र कुमार, शर्मिला टैगोर, सज्जन थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली 1969 में आई थी नन्हा फरिश्ता, इसमें बलराज सहनी, पद्मी, जॉनी वाकर, अजीत और प्राण लीड कास्ट में थे। अगली मूवी इसी साल में आई थी हम एक हैं, इसमें बलराज सहनी, मधुमती, लक्ष्मी छाया और दारा सिंह लीड कास्ट में थे। अगली मूवी 1970 में आई थी नानक, दुखिया, सब संसार, इसमें बलराज सहनी, असला सज्जो, दारा सिंह थे। ये मूवी हिट रही। अगली 1970 में आई थी होली आई रे, इसमें बलराज सहनी, शत्रुघ्न सिन्हा, माला सिन्हा, रहमान थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी पहचान, इसमें बलराज सहनी, मनोज कुमार, बबीता लीड कास्ट में थे। इस मूवी को सेमी हिट करार दिया गया। अगली मूवी इसी साल में थी मेरे हमसफर, इसमें बलराज सहनी, जितेंद्र, शर्मिला टैगोर थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी पवित्र पापी, इसमें बलराज सहनी, तनुजा, नीतू सिंह, परीक्षित सहनी थे। ये मूवी हिट रही।
थी। अगली इसी साल में आई थी नया रास्ता, इसमें बलराज सहनी जितेंद्र आशा पारिक लीड कास्ट में थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली में इसी साल में थी घर घर की कहानी, इसमें बलराज सहनी राकेश रोशन नीतू सिंह थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली इसी साल में थी धरती, इसमें बलराज सहनी राजेंद्र कुमार वहीदा रहमान कामनी कौशल थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1971 में थी पराया धन, इसमें बलराज सहनी हेमा मालिनी राकेश रोशन थे। ये मूवी बड़ा एवरेज रही। अगली मूवी आई थी इसी साल में जवान मोहब्बत, इसमें बलराज सहनी शम्मी कपूर आशा पारेख थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। अगली 1973 में थी जवानी दीवानी, इसमें बलराज सहनी रणधीर कपूर जया भादुनी रूप आए थे। ये मूवी हिट रही। अगली 1973 में थी जंगल में मंगल, इसमें बलराज सहनी किरण कुमार रीना राय सोनिया सहनी प्राण थे। ये मूवी हिट रही। अगली मूवी इसी साल में थी प्यार का रिश्ता, इसमें बलराज सहनी शत्रुघ्न सिन्हा विनोद खन्ना थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली मूवी इसी साल में आई थी हिंदुस्तान की कसम, इसमें बलराज सहनी राजकुमार प्रिया राजवंश पद्मा खन्ना अमजद खान थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली 1973 में थी हंसते जख्म, इसमें बलराज सहनी नवीन निश्चल प्रिया राजवंश थे। ये मूवी ब्लो एवरेज रही। अगली इसी साल में थी दमन और आग, इसमें बलराज सहनी संजय खान सारा बानो और हुसैन थे। ये मूवी एवरेज रही। अगली इसी साल में थी गर्म हवा, इसमें बलराज सहनी फारूक शेख गीता सिद्धार्थ थे। इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट करार दिया गया। अगली इसी साल में आई थी अमानत, इसमें बलराज सहनी मनोज कुमार साधना और महमूद थे। ये मूवी फ्लॉप रही। अगली इसी साल में थी जलियांवाला बाग, इसमें बलराज सहनी विनोद खन्ना शबाना आजमी दीप तिमल थे। इस मूवी को फ्लॉप करार दिया गया। तो व्यूअर्स यही मूवी इनकी आखिरी मूवी साबित बलराज सहनी जी, क्योंकि 1973 में व्यूअर्स इनकी डेथ हो चुकी थी। तो व्यूअर्स ये बॉलीवुड के फेमस एक्टर स्क्रीन राइटर बलराज सहनी जी की एक्टिंग में बनने वाली मूवीज का बॉक्स ऑफिस एनालिसिस था। इनकी एक्टिंग में बनने वाली मूवीज़ में से कौन सी मूवी आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कौन सी मूवी आपकी फेवरेट मूवी रही, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और किस एक्टर या एक्ट्रेस या प्रोड्यूसर डायरेक्टर या फिर किस प्रकार का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व्यूअर्स हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर फुल